अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, न्यूज़ अलर्ट के साथ शेरे इक्तदार से मैं हूँ मोहम्मद जाबिर। इस वक्त हम मौजूद हैं फैसल मस्जिद में। मारगला की पहाड़ियों के दामन में ये वाक़ है। यहाँ पर आज पैगाम पाकिस्तान और पॉजिटिव पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम एक रैली का इनेकाद किया गया, जिसका मकसद ये था कि जश्न आज़ादी के सिलसिले में ये एक कड़ी थी। और यहाँ पर आपने देखा कि ज़बरदस्त किस्म के स्टूडेंट्स, तलबा व तालिबात और रज़ाकार और यूथ की एक बड़ी तादाद न सिर्फ जुड़वा शहरों में यहाँ पर इकट्ठी हुई बल्कि दूसरे शहरों से भी यहाँ पर तशरीफ़ लाए। बुनियादी तौर पर इसका मकसद मुल्क में इस्तेकाम और मुल्क में अमन को फ़रोग देना था और तहरीक पाकिस्तान और क़याम पाकिस्तान के उन किरदारों को खराज तहसीन पेश करना था जिन्होंने मुल्क के हुसूल के लिए अपनी जानों के नजराने कुर्बान करके इस मुल्क को यहाँ तक पहुँचाया। हम चलते हैं यूथ के पास भी और उनके तासुरात भी आप तक पहुँचाते हैं। जिंदगी की कीमत क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। अब लिखना क्या और पढ़ना क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। अब जीना क्या, सुपर पावर है खुदा, ला इलाहा इल्लल्लाह। मेरा जी पाकिस्तान का तारा, पाकिस्तान है प्यारा प्यारा, पाकिस्तान है प्यारा प्यारा। अच्छा, पूरे पाकिस्तान से इस्लामाबाद में ये यूथ हमारी इकट्ठी हुई पॉजिटिव पाकिस्तान और पैगाम पाकिस्तान की जानिब से, और मकसद ये था कि हम उनको वो जो तहरीक पाकिस्तान का पैगाम था वो पैगाम दें, जिस मकसद के लिए ये मुल्क बना गया था वो पैगाम उन्हें याद करवाएं, और हम इन्हें ये बताएं कि तब्दीली का आगाज़ अपनी ज़ात से होता है। वो क्या कहता है शायर के, अगर अपने दिल पे नहीं हुक्मरान मुसफ़िर हो किस तरह सारा जहां। यानी तब्दीली जो है वो मैं अगर चेंज होगा तो तब्दीली आएगी। सबसे पहले मुझे पहला कदम उठाना है, सबसे पहले ज़ाहिर है किसी को बारिश का पहला कतरा बनना है, सबसे पहले किसी कोम्पल को फूटना है, सबसे पहले किसी किरण को जो है वो ज़मीन की तरफ, सूरज से ज़मीन की तरफ अपने सफ़र का आगाज़ करना है, तब रोशनी होगी। तो ये पैगाम है जो पॉजिटिव पाकिस्तान का है, ये पैगाम है जो पैगाम पाकिस्तान का है, जो अमन का पैगाम है, जो मोहब्बत का पैगाम है, और इसी के प्रचार के लिए, इसी के फ़रोग के लिए आज सारे यूथ जो है वो इस्लामाबाद में यहाँ इकट्ठी हुई है शहर शहर से, जिसके तहत आज हमने एक कॉन्फ्रेंस की इस्लामिक यूनिवर्सिटी में, और उसके साथ हमने एक ये रैली निकाली यूथ को मैसेज देने के लिए और यूथ को ये बावर कराने के लिए, ये याद कराने के लिए कि शिकवे जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था अपने हिस्से की कोई शमा जलाते जाते। मेरा जो पैगाम है आज के हवाले से, आजकल आपको सबको पता है कि कश्मीर में क्या चल रहा है और पाकिस्तान, और पाकिस्तान उसके मुताबिक क्या सोच रही है, और इंडिया का उसके अंदर क्या अमल है, क्या इंडिया कर रही है और क्या इंडिया छुपा रहा है। ठीक है, तो आज का हमारा जो ये पैगाम है ये सिर्फ पाकिस्तान के हिसाब से नहीं है, ये कश्मीर के भी हवाले से है, और ये इत्तेहाद इत्तेफाक़ और सारे जो यूनिटी है उसको कायम रखने की हवाले से है। और हमें कश्मीर के इशू पर भी बात करनी चाहिए, और हमें जो यहाँ पे यूथ सारे जो हैं उन यूथ को इकट्ठा होकर हमने जो है एक अमल में लाना चाहिए, और जो जो इश्यूज़ हैं पाकिस्तान में जो क्रिएट हो रहे हैं और जो क्रिएट कश्मीर में हुए हैं उन पे हमने बात करनी चाहिए। और लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगी कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद। आज की जो ये एक्टिविटी मुनक्कद की गई है पॉजिटिव पाकिस्तान की तरफ से और पैगाम पाकिस्तान की तरफ, उसका मकसद पाकिस्तान की यूथ में जोश और वलवला पैदा करना है, उनको उनका मकसद याद कराना है। इकबाल के जो ख्वाब देखा था और जो कायद आज़म ने हमें पाकिस्तान की जो तावीर दी थी, हमें वो मकसद और वो हमें मतलब उनको याद कराने के लिए, उनके अंदर जोश और वलवला पैदा करने के लिए, जैसा कि इस इवेंट का नाम भी वलवला अम्न रखा गया, पीस के लिए, प्रॉस्पैरिटी के लिए और इंटरफेथ हार्मनी के लिए हमने इसको मुनक्कद किया, जिसमें मुझे पार्टिसिपेट करके इंतहाई खुशी हुई। बच्चों में और यूथ में बहुत सारा जोश और वलवला देखा, तो उनको बताया गया कि उनका इरादे, उनके डिसीजंस पाकिस्तान की तरक्की में कितने इम्पॉर्टेंट हैं। उनके लिए काफ़ी जो थे स्पीकर्स आए और उन्होंने करैक्टर बिल्डिंग के ऊपर, उनकी पर्सनल बिल्डिंग के ऊपर, उनको उनके फ्यूचर के मुताबिक कि वो कितने इम्पॉर्टेंट रोल जो है अदा करते हैं पाकिस्तान की तरक्की में, उसके ऊपर ये मुनक्कद की गई थी। और माशाल्लाह से बहुत अच्छी हुई रैली भी और कॉन्फ्रेंस भी, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि पॉजिटिव पाकिस्तान और भी ऐसे जो है कॉन्फ्रेंसेस मुनक्कद कराएगी आगे भी। थैंक यू। इस तकरीब का मकसद यही था कि हम जो कश्मीर हमारे भाई हैं, बहनें हैं, हम उनको आज़ादी देना चाहते हैं। और वो एक शेर है कि जवां है अज़म तो फिर जुल्म के बर्बादी बाकी है, अंधेरी रात है अब तक अभी आज़ादी बाकी है। आप किसी भी उठती हुई आवाज़ को दबा नहीं सकते, बल्कि जितनी आवाज़ें दबाएंगे उतनी आवाज़ें और आएंगी।